नमस्ते ट्रेडर, चतुर ट्रेडर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। कल हमने बोरिंग कैंडल के बारे में सीखा, बोरिंग कैंडल के रूल्स और बोरिंग कैंडल कैसी दिखती है वो भी हमने सीखा, और बोरिंग कैंडल चार्ट के ऊपर कैसी पहचानी जाती है वो भी हमने देखा, बोरिंग कैंडल कैसी बनती है वो भी हमने देखा। आज हम एक्साइटिंग कैंडल सीखने वाले हैं। एक्साइटिंग कैंडल कैसे दिखती है और उसको चार्ट के ऊपर कैसे पहचाना जाता है वो हम सीखेंगे। चलो फिर चार्ट के ऊपर हम एक्साइटिंग कैंडल देखते हैं। अब हम एक्साइटिंग कैंडल के ऊपर मार्क करने वाले हैं ताकि आप लोग भी एक्साइटिंग कैंडल के ऊपर मार्क करना सीखे। एक्साइटिंग कैंडल का रूल्स हमने कल आपको बताया था। एक्साइटिंग कैंडल का रूल्स, जो कैंडल की बॉडी 50% के ऊपर है उसे एक्साइटिंग कैंडल कहते हैं। अब हम एक्साइटिंग कैंडल के ऊपर मार्क करने वाले हैं। ये देखो, ये कैंडल की बॉडी बड़ी है, शैडो छोटी है। ये एक्साइटिंग कैंडल है, ये एक्साइटिंग कैंडल है। ये देखो, ये भी एक्साइटिंग कैंडल है, ये भी एक्साइटिंग कैंडल है, ये भी एक्साइटिंग कैंडल है। जिस कैंडल की बॉडी 50% से ऊपर है उसे एक्साइटिंग कैंडल कहते हैं। एक्साइटिंग कैंडल, ये देखो, ये भी एक्साइटिंग कैंडल है। एक्साइटिंग कैंडल आपको आदत लगानी पड़ेगी एक्साइटिंग कैंडल मार्क करने की। ये देखो, ये भी एक्साइटिंग कैंडल है। ये देखो, एक्साइटिंग कैंडल। ये देखो, ये भी एक्साइटिंग कैंडल है, ये भी एक्साइटिंग कैंडल है, ये भी एक्साइटिंग कैंडल है। एक्साइटिंग कैंडल का कलर मायने रखता है, मैंने आपको रूल्स में बताया था। अगर एक्साइटिंग कैंडल रेड है तो वहाँ पर सेलर की ताकत ज़्यादा है। अगर एक्साइटिंग कैंडल ग्रीन है तो वहाँ पर बायर की ताकत ज़्यादा है। और हमने बोरिंग कैंडल के बारे में कलर का कोई रूल रहता नहीं ये आपको बोला था। बोरिंग कैंडल का कोई भी कलर हो सकता है, लेकिन एक्साइटिंग कैंडल के लिए उसका कलर मायने रखता है। अगर किसी ने पिछले वीडियो देखे नहीं है तो उसको ये समझ में नहीं आएगा, इसीलिए वीडियो देखने के बाद ये वीडियो देखना चाहिए। ये देखो, ये भी एक्साइटिंग कैंडल है, ये भी देखो, ये भी एक्साइटिंग कैंडल है। एक्साइटिंग कैंडल, एक्साइटिंग कैंडल, एक्साइटिंग कैंडल, एक्साइटिंग कैंडल। देखो कितनी सारी एक्साइटिंग कैंडल है, लेकिन आज आपको दिख रहा होगा बोरिंग कैंडल से कम एक्साइटिंग कैंडल है। कल कितनी बोरिंग कैंडल थी चार्ट के ऊपर? एक्साइटिंग कैंडल, एक्साइटिंग कैंडल। ये देखो, ये भी एक्साइटिंग कैंडल, ये भी एक्साइटिंग कैंडल। ऐसी कैंडल आपको मार्क करने सीखनी है। बोरिंग और एक्साइटिंग कैंडल आपको मार्क करना आना चाहिए, उसको देखते ही पहचानना चाहिए ताकि आपको डिमांड सप्लाई सीखने में आसानी हो। अभी हमने चार्ट के ऊपर खाली दो ही प्रकार की कैंडल सीखी, बोरिंग और एक्साइटिंग, और दूसरी कौन सी कैंडल सीखी नहीं और रहती भी नहीं। खाली लोगों ने उसको अलग अलग नाम दे के रखे, कोई डोजी बोलता है, कोई हैमर बोलता है, कोई शूटिंग स्टार, अलग अलग नाम रखे। लेकिन हमें एक्साइटिंग कैंडल और बोरिंग कैंडल ही सीखनी है और आपको उसको ही याद रखना है। तो अब हम एक्साइटिंग कैंडल कैसी बनती है वो चार्ट के ऊपर देखते हैं। अभी हमने एक्साइटिंग कैंडल पहचानने का तरीका देखा, बोरिंग कैंडल कैसी बनती है ये हमने कल देखा था। बोरिंग कैंडल कैसी बनती है? जब बायर और सेलर के बीच में फाइटिंग होती है और बायर हार जाता है, बोरिंग कैंडल बनती है और मार्केट नीचे आता है। और मैंने आपको ये भी बोला था कि मार्केट तेजी से नीचे आता है, तेजी से नीचे आता है इसका मतलब वहाँ पर एक्साइटिंग कैंडल बनती है। जैसे कि मैंने आपको पीछे दिखाया, बड़े बड़े एक्साइटिंग कैंडल दिखाए मैंने आपको। तो कल क्या हुआ, यहाँ से बायर आए, यहाँ पर फाइटिंग हुई, बायर इधर तक गए, सेलर ने उसको वापस खदेड़ा, वापस बायर ने भी सेलर को ऊपर खदेड़ा। एक इनका डिसीजन, यहाँ पे फाइटिंग पूरी ख़त्म हो गई, ये एरिया में उनकी फाइटिंग पूरी ख़त्म हो गई। और उसके बाद क्या हुआ, बायर ख़त्म, फाइटिंग भी ख़त्म, उसके बाद मार्केट नीचे। इस तरह से ये नीचे की तरफ एक्साइटिंग कैंडल बनी। एक्साइटिंग कैंडल पहचानना बोरिंग कैंडल से ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पे सेलर जीते, बायर हारे। अब हम अगर इस जगह 1,00,000 क्वांटिटी से बायर आते थे और 75,000 की क्वांटिटी सेलर की रहती थी तो क्या होता था, तो सेलर हार जाते थे। तो उसके बाद ऊपर की तरफ एक्साइटिंग कैंडल बन जाती थी। ये देखो, मैं दिखा था आपको, अगर बायर जीतते तो यहाँ पर एक्साइटिंग कैंडल बनती थी। ये देखो, इस तरह से यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर 75,000 क्वांटिटी है। कोई बोलेगा कि उन्होंने 75,000 और 1,00,000 रुपए कुछ बोला ही नहीं उन्होंने, तो मैंने कल के वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है। जो कोई आज
नया वीडियो देख रहा है तो उसको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, उसको कल का वीडियो देखने के बाद ये पूरा सिस्टम समझ में आएगा। ये जो दिखाने का मतलब क्या है, इस तरीके से एक्साइटिंग कैंडल बनती है। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। एक्साइटिंग कैंडल देखना, उसको समझना बिल्कुल आसान है। अब हम चार्ट के ऊपर देखेंगे एक्साइटिंग कैंडल कैसी बनती है। तो चलो फिर चार्ट के ऊपर। कल हमने बोरिंग कैंडल के ऊपर बात की थी और ये बोरिंग कैंडल, ये यही कैंडल के ऊपर हमने चर्चा की थी। ये बोरिंग कैंडल बनी, यहाँ पर बायर सेलर की फाइटिंग हुई और सेलर जीता और बाद में एक्साइटिंग कैंडल बनी। ये देखो एक्साइटिंग कैंडल, एक्साइटिंग कैंडल, क्योंकि यहाँ पर बायर पूरे खत्म हो गए थे, उनको बायर कोई बचा ही नहीं था। तो फिर क्या होगा, सेलर की दिशा कौन सी है, वो नीचे की। मार्केट पूरा तेजी से नीचे आया क्योंकि उनको रोकने वाला कोई नहीं था, जो रोकने वाले थे वो पूरे खत्म हो गए थे, इसीलिए बड़ी कैंडल बनी। ये देखो ये बड़ी कैंडल बनी, ऐसी ये कैंडल बनी। हमने कल एक घंटे के चार्ट के ऊपर हमने आपको दिखाया था कि बोरिंग कैंडल कैसी बनी। अब हम एक घंटे के चार्ट के ऊपर देखेंगे एक्साइटिंग कैंडल कैसी बनी। ये देखो, ये कल हमने आपको एक्सप्लेन किया था। ये देखो, यहाँ से बायर आए, यहाँ पर फाइटिंग हुई, बाद में एक्साइटिंग कैंडल बनी। तो आप बोलेंगे ये टुकड़े टुकड़ों में, लेकिन आप जब वीकली पे जाओगे तो बड़ी आपको एक्साइटिंग कैंडल दिखेगी। आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या सिखाना चाहता हूँ आपको। कुछ लोगों के मन में डाउट आया होगा, अगर बोरिंग कैंडल के बाद एक्साइटिंग कैंडल बनती है तो ये भी तो बोरिंग कैंडल है, ये भी तो बोरिंग कैंडल है। ये देखो यहाँ पर कितनी बोरिंग कैंडल है, ये देखो ये कितनी बोरिंग कैंडल है, ये देखो कितनी बोरिंग कैंडल है, बोरिंग कैंडल। तो उसके लिए कुछ आपको मैं एडवांस में सिखाने वाला हूँ, इसीलिए ये खाली बेसिक है, लेकिन बेसिक ही नहीं आएगा तो आपको एडवांस भी नहीं आएगा। इसीलिए आपको बोरिंग और एक्साइटिंग कैंडल सीखना बहुत ही ज़रूरी था, इसीलिए मैंने आपको एक्साइटिंग और बोरिंग कैंडल के बारे में आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में वो पूरा बैठ जाए ताकि आप एक ही नज़र में उसको पहचान सके। आशा करता हूँ आपको एक्साइटिंग कैंडल कैसी बनती है, कैसी दिखती है, वो समझ में आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक कीजिए। जय हिंद।